to my channel. पिछले दिनों बॉम्बे में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई, फ्लड. आपने देखा, ट्रेन बंद हो गई, लोकल बंद हो गई, कई लोग, बहुत सारे लोग दो दो दिन तक फंसे रहे बगैर खाने के, बगैर प्यास के. आपने न्यूज में देखा होगा, जगह जगह पानी भरा हुआ, हालत खराब. एक आदमी बेचारा भूखा प्यासा क्या करे, किसी घर में जाके बेल मार दिया, टंग टंग. हेलो, आपको पता होगा बारिश हो रही, आपको मालूम है ना, बारिश हो रही, ट्रेन वगैरह सब मतलब बंद है, जा नहीं पा रहे, मतलब भूख लगी, खाली मतलब रात आप क्या गुजार ले, सुबह चले जाएंगे बस. ऐसे कैसे चले आए मुंह उठा के? ऐसे कैसे आपको रख ले, यूं चले आए, कहीं भी आके बेल मार दी. ये बहु बेटियों का घर है, यहाँ बहु बेटियां रहती हैं. अच्छा, दूसरे फ्लैट में बिल मार, टंग टंग. हेलो, हम लोग ऐसे फंस गए, मतलब रास्ते में कहीं घर भी नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेन वगैरह बंद है, आप क्या मतलब रात गुजार लें. अरे भी ऐसे कैसे रख ले भैया, बताइए, जान नहीं पहचान नहीं, मुंह उठाए चले आए हैं, अब कौन है, क्या है, किधर से आए हैं, है? ये बहु बेटियों का घर है. तीसरे घर में गया, खुद ही बिल मार के बोलता, टंग टंग. हेलो, आपके यहाँ बहू बेटी हैं? क्यों क्यों, क्यों? रात गुजारनी है. कमाल. और जब इस तरह से भयंकर से बारिश हो जाती है तो हमारे अच्छी, अच्छी दुकान खोली तुमने, पूरा शटर ऊपर कर दिया. हाँ. जब इस तरह से भयंकर बारिश हो जाती है तो हमारे टीवी वाले न्यूज बनाने के लिए घूमते रहते हैं, कैमरा लिए हुए यहाँ से चारों तरफ, और जो लोग पानी में डूबे हैं उनकी हेल्प नहीं करते निकालने में, उनसे पूछते हैं कैसे फंसे, क्या हुआ. और कई बार जब पूछते हैं तो कैमरे की आवाज भी आती रहती है, वो न्यूज में दिखाई पड़ती है. हेलो, आप ये बताइए, जो बाढ़ आई है, आपका कोई नुकसान हुआ, किसी ने आपकी मदद की? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, डरिए मत, बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए. अब सामने वाला बेचारा पहली बार टीवी के सामने घबराहट के साथ मर रहा है. साहब, हम लोग ऐसे मतलब जो मतलब रात को हम लोग ऐसे बैठे रहे, हम गजोधर मिश्रा और यादव, हम लोग मतलब मतलब साहब हम लोग ऐसे मतलब रात को बैठे रहे तो गाने उन्हें गाते रहे, गाना बजाना चलता रहा, तो धीरे धीरे मतलब बारिश आना शुरू हो गया साहब, तो पानी हमने पहले हमारे पैर की उंगली में छुआ, बहुत मतलब ठंडा ठंडा लगता रहा, पप्पी ले रहा, धीरे धीरे साहब पानी बढ़ने लगा, मेरी धोती में घुसना शुरू हो गया. जैसे साहब मतलब पानी और ऊपर बढ़ा तो बहुत गुदगुदी लगता रहा. फिर साहब मतलब देखते देखते पूरे गांव में बाढ़ हो गया, पानी हो गया, पानी हो गया, बाढ़ बाढ़ पानी हो गया साहब. बाढ़ में हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीबी डूब रही थी, गांव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ और तोरी बीबी को तो कोई ना कोई बचा ही ले. टीवी वालों ने एक महिला से पूछा है, एक लेडी से पूछा. हेलो राजू भैया. हाँ मैडम, आप बताइए, जो बाढ़ आई है, आपका कोई नुकसान हुआ, किसी ने आपकी मदद की? हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए. ऐसा है भैया, ऐसा है कि हमारा जितना सामान खो गया रहा वो तो मिल गया है, हमारे मर्द नहीं मिल रहे हैं. कोई कह रहा है, कोई कह रहा है मतलब जो है झाड़ में अटके हैं, कोई कह रहा है नदी में बांबू पकड़ के लटके हैं, बस इनका पता नहीं चल रहा है. अच्छा अच्छा, उनका कोई हुलिया बताइए, दिखने में कैसे थे? बोलिए, दिखने में तो रहा एकदम हीरो, लंबाई एकदम 6 फुट 2 इंच, लंबे चौड़े चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, बहुत लंबे चौड़े रहे हैं. उसकी सहेली बोली, ये बहुजी झूठ क्यों बोलती है, तेरा मर्द तो बुटका और टकला बुढ़ा है ना. चुप, वो रहने दो ना, अभी टीवी वाले ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे. मनोहर भैया से भी पूछा, और मनोहर भैया शायद टीवी वालों को देख के जानबूझ के पानी में घुस गए कि मैं भी न्यूज में आऊंगा. टीवी वालों ने पूछा, हेलो आप अभी भी घुसे ना, हमको देख के घुसे ना,
आई बाहर ही बाहर ही आई बाहर निकले नहीं यही ठीक है। अरे ठीक है अब यही ठीक है। नहीं नहीं अब बाहर आ जाइए हमको देख के गुस्से ना बाहर ही नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते हैं? अंडरवियर नहीं है। टीवी वालों ने एक ऐसे करेक्टर से पूछ लिया ये अंदर से भरे होते हैं पूरे इनमें पॉलिटिशियन बनने के बहुत गुण होते हैं। इनको लगता है कब माइक मिले पब्लिक मिले मैं पूरा बोलूं। उनको बोल दिया हेलो आप बताइए जो बाढ़ आई है आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर किसी भी डाउट है किसी शिकायत है आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बराबर कम्बल वगैरह मिले हम बताइए। हम बोली देखिए मैं इस देश का नागरिक हूं और हमारे वोट देने से सरकार बनती है हमारा फर्ज है हम सरकार से पूछ सकते हैं क्योंकि सरकार को हम बनाते हैं सरकार हमको नहीं बनाती है। मैं पहले सपा के अंदर था बाद में दो बरस में बसपा के अंदर था भाजपा के अंदर मैं पहले काम किया आदमी हूँ अभी कांग्रेस आई भी ज्वाइन करने का है। मैं ऐसा पॉलिटिशियन आज मैं समझदार और मैं आग बंद करके भाग लेने वाला नहीं हूँ। इस तरह की बारिश पांच बरस पहले भी बिहार के अंदर आई थी उसमें लालू प्रसाद वहां मौजूद थे लालू प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में बातें कही थी लेकिन प्रश्न खड़ा होता है आज हम जागरूक हो चुके हम सरकार सवाल कर सकते अगर जगन्नाथ मिश्रा वहां पर मौजूद थे मैं पूछना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव से उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बाढ़ आई थी वहां नवभारत टाइम्स के लोग मौजूद थे मैं सामना पत्र के लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं जिस प्रकार जो है हिंदुस्तान टाइम्स के लोग वहां मौजूद थे मैं विलास और देशों के सवाल करना चाहता हूं जो केंद्र हमें फंड देता है लेकिन उसके अंदर प्रश्न खड़ा होता है अगर मौलाना बुखारी इस बात से मैं सहमत नहीं उसमें राजेश पायलट जिंदा थे और उसमें आप माधव और सिंधिया ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी आज हमारे बीच नहीं है वो सर में पहुंच चुके लेकिन प्रश्न ये होता है अगर उस बात को मानते जाकर सवाल किया जाता दिग्विजय सिंह मैं दिग्विजय सिंह की बात से सहमत नहीं उमा भारती मौजूद थी देवगड़ा आए थे देवगड़ा ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी। देखिए जब हम वोट देते वोट देने के आते ही लोग और जब हमारी सुरक्षा का प्रश्न होता है बाढ़ का प्रश्न होता है केंद्र सरकार जो फंड देती है मैं मुलायम सिंह यादव से पूछना चाहता हूं वहां पर कल्याण सिंह मौजूद थे राजनाथ सिंह ने हमारे प्रश्न का जवाब दिया था कलराज मिश्र वहां पर मौजूद थे लेकिन सहमत नहीं हूं आज हमारे दांत जाग चुका है मैं जानना चाहता हूं मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं एक सेकंड आपको कहना क्या है कुछ नहीं मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूं।